Once again, welcome to our channel, Fitness पाठशाला। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक सिंपल सी मुद्रा जिसकी आप रेगुलर प्रैक्टिस करके अपनी जो जोड़ों का दर्द है या आपको साटिका पेन है, काटिका पेन है या किसी भी तरीके का आपका कमर दर्द है, रीढ़ से रिलेटेड कोई दर्द है, इन सारे प्रॉब्लम्स को आप दूर कर सकते हो। या आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपका फूड जो भी आप खा रहे हो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत ही सिंपल सी इफेक्टिव मुद्रा के बारे में मैं आज आप सबसे बात करूंगा, जिसको आप रेगुलर प्रैक्टिस करके इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों उससे भी पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल फिटनेस पाठशाला को लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि टाइम टू टाइम इस तरीके के वीडियोज आपको मिलते रहें। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले जिस मुद्रा को करके आपको इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। ये किसी भी एक मेडिटेटिव पोज में आपको बैठना है, स्पेशली अगर आप बैठ सकते हैं वज्रासन में। हम बात करेंगे जी हाँ आज आपसे वायु मुद्रा के बारे में। तो दोस्तों जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारी उंगलियों में क्या है, बहुत ही इफेक्टिव मैग्नेटिक जो फोर्स है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये उंगलियां। तो इनके थ्रू जब हम एक मुद्राओं का प्रॉपर यूज करते हैं तो जो हमारी आंतरिक शक्तियां हैं वो एक्टिवेट होती हैं, जो स्पिरिचुअल पावर है हमारी बॉडी का वो एक्टिवेट होता है, जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। तो देर न करके हम बात कर लेते हैं आपसे, सबसे पहले जो वायु मुद्रा को परफॉर्म कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, इस तरीके से आपको ये जो तर्जनी है या इंडेक्स फिंगर है उसको क्या करना है, यहाँ पे थंब के जहां से थंब का ओरिजिन हो रहा वहां पे रखना है थंब के ऊपर। देन थंब को क्या करना है, इस तरीके से विंड करके इसको इस फिंगर के ऊपर जो फर्स्ट पार्ट है तर्जनी का उसके ऊपर रखना है, बाकी तीनों फिंगर्स को आपको क्या करना है, स्ट्रेट रखना है, तरीके से स्ट्रेट रखना है। देन अनदर हैंड में भी सेम प्रोसेस करना है आपको, इस तरीके से थंब के जहां से थंब का हमारा उद्दीन हो रहा थंब निकल रहा वहां पे तर्जनी को फिक्स करना है। देन थंब से तर्जनी के जो फर्स्ट पार्ट है उसको दबा के रखना है, देन बाकी तीनों फिंगर्स को इस तरीके से स्ट्रेट रखना है, ये पोजीशन मेंटेन करनी है। देन आपको मेडिटेटिव आसन में इस तरीके से बैठना है, किसी भी मेडिटेटिव आसन में। लेकिन अगर आप इसके साथ वज्रासन का यूज करते हैं, वज्रासन में इस पोजीशन को करते हैं तो बहुत ही इफेक्टिव यूजफुल बेनिफिट्स मिलेंगे, स्पेशली उनके लिए जो 5 मिनट अगर इसकी रेगुलर प्रैक्टिस कर लेते हैं खाने के तुरंत बाद वज्रासन में बैठ के, जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर इनका वर्क नहीं कर रहा, तो उनके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव होगा। तो बात कर लें स्टेप बाय स्टेप कैसे हमको परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, लॉन्ग सिटिंग पोजिशन में इस तरीके से बैठ जाना है, वज्रासन परफॉर्म करना है। पहले हमें आना है वज्रासन की पोजिशन में, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एंकल को होल्ड करते हुए है ना, हील को शिफ्ट करना है अपने हिप के नीचे, देन अनदर हैंड से अनदर लेग को होल्ड करके को शिफ्ट करना है, इस तरीके से वज्रासन में बैठना है आपको। वज्रासन में बैठने के बाद ध्यान रखना है आपकी बैक शुड बी स्ट्रेट होनी चाहिए, हील जो है आपकी आउटसाइड होगी तो आपस में टच होंगे वज्रासन को परफॉर्म करने के लिए। देन उसके बाद हम इस तरीके से जो इंडेक्स फिंगर है या कह लीजिए तर्जनी है उसको यहाँ पे थंब्स के पास बेंड करके रखेंगे, देन थंब से इस तर्जनी को प्रेस करेंगे, देन तीनों फिंगर्स को स्ट्रेट रखेंगे। सेम प्रोसेस हमको अनदर हैंड्स में भी करना है, तीनों फिंगर्स को स्ट्रेट रखना है और तर्जनी को इस तरीके से थंब से टच करने के बाद ये पोजिशन बनानी है अपने हाथों की, और इस पोजीशन को बनाने के बाद हमको क्या करना है, इस तरीके से वज्रासन की पोजीशन में बैठ के किसी भी इमेजिनरी पॉइंट पे हमको फोकस करना है। और स्पेशली अगर आप इसकी रेगुलर 5 मिनट
प्रैक्टिस कर ले रहे हैं तो आपको इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। मिनिमम आपको कितनी देर इसकी प्रैक्टिस करनी है, 5 मिनट। इस तरीके से आपको इस मेडिटेटिव पोज में बैठ के वज्रासन में इस मुद्रा का यूज करना है। नेतर व्यू मैं आपको इसका दिखा दूं, साइड व्यूज भी मैं आपको इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। इस तरीके से आपको वो फिंगर को रखना है ज्वाइन करके ना, इस तर्जनी को थंब से टच करना है, थंब को से प्रेस करना है तर्जनी को, यानी कि इंडेक्स फिंगर्स को। सेम प्रोसेस बोथ हैंड में करना है और तीनों बाकी तीनों फिंगर्स को आपको क्या करना है, स्ट्रेट रखना है। देन आपको वज्रासन में बैठ के इस तरीके से बैक को स्ट्रेट रखते हुए कंसंट्रेट करना है किसी भी इमेजिनरी पॉइंट पे 5 मिनट में। मिनिमम आपको इसका 5 मिनट प्रैक्टिस करनी है, 5 मिनट से कम आपको इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है। अगर 5 मिनट आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करें दोस्तों, तो इससे आपको बहुत ही इफेक्टिव, ये जो भी जोड़ों से दर्द, साटिका, गाठिया रोग या कोई भी प्रॉब्लम्स है आपको, वो सारी प्रॉब्लम्स दूर होगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम इस तरीके से आपको जो भी अपडेटेड वीडियोज है हमारे चैनल के माध्यम से आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो भी आपकी क्वेरी हो या जो भी आपके सजेशंस हो वो आप अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।